सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई. द फिल्म टचेस द हार्ट. मेरा सवाल आपसे ये है कंगना, पहले तो आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस फिल्म को ढूंढ रही थी या इस फिल्म ने आपको ढूंढा? बिकॉज द फिल्म इज पंगा एंड यू हैव मेड योर ओन वे एंड आपने भी पंगे बहुत लिए हैं इस यहाँ तक आने के लिए. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक इस फिल्म ने मुझे ढूंढा कहीं ना कहीं. जब आपकी पर्सनैलिटी उससे रेजोनेट करती है. मेरा संघर्ष सबके सामने बहुत ही इज लाइक एन ओपन बुक. और मैं भी काफ़ी बात करती रहती हूँ अपने संघर्ष के बारे में कि मैं कैसे इस मुकाम तक पहुँची हूँ. और उसके साथ में ही आई ऑलवेज कीप चैलेंजिंग द यू नो स्टेटस को. एंड उसके करके आई थिंक कहीं ना कहीं अश्विनी जी ने देखा होगा ये मेरा तेवर. बट आई पर्सनली फील इट इज़ अ स्टोरी दैट इज़ वेरी क्लोज टू अश्विनी मैम एंड आई फील दैट ये इन्हीं की कहानी है. कबड्डी तो इन्होंने उसमें डाला है बिकॉज ये एक तरह का एक फिल्म के लिए डिवाइस है कबड्डी. इट कैन बी इट्स अ मेटाफोर फॉर एनी ड्रीम. ज़रूरी नहीं है आप कबड्डी खेले जिंदगी में स्पोर्ट्स ही करें. कोई भी एक वुमन आफ्टर प्रेगनेंसी शी फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू बाउंस बैक. और अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट आई थिंक कहीं ना कहीं कोऑपरेशन हमें पूरे समाज का चाहिए होता है. तो आई थिंक ये जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं भी एक्चुअली रो दी थी क्योंकि मैंने इतना बारीकी में इस बारे में कभी नहीं सोचा कि एक मदर को क्या फील होता होगा. तो ये इन्हीं की कहानी. मैं तो इनको कहती हूँ तुम्हारी बायोपिक है ये. कंगना जी, हेलो कंगना जी, नमस्कार. रेखा खान नवभारत टाइम से. हाय रेखा जी. जी सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी. बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला ट्रेलर है. और फिल्म में हमने देखा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है. इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक ट्रेंड है या एक हवा है या एक कहें कि एक बहुत ही पहल चल पड़ी है. बहुत अलग अलग तरह से लोग वुमेन एम्पावरमेंट को परिभाषित करते हैं. आप खुद एक सेल्फ मेड अभिनेत्री हैं. आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन हर एक की अपनी अलग होती है. कुछ लड़कियों को लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोट्स पढ़ती हूँ, ऐसी बातें सुनती हूँ कि हम क्यों डिज़र्व करते हैं हीरोज़. यू नो दे गेट यू सो मच ओपनिंग, दे गेट यू दिस एंड दैट. तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा पैसा डिज़र्व करते हैं. एक लड़की की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. सो इफ़ यू डोंट फील एम्पावर्ड, नोबडी कैन मेक यू फील एम्पावर्ड. तो हमेशा हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है. यू हैव टू फील लाइक एन इक्वल. आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है. मुझे भी भगवान ने पैनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आई सब दिया हुआ है. अगर यू नो नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है. दैट शुड बी योर फीलिंग, देन ओनली यू कैन बी एम्पावर्ड. अगर आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं तो कोई फिल्म, कोई कोट, कोई भी आपको कोर्स एम्पावर्ड फील नहीं करा सकता है. सो आई ऑल आई वॉन्ट टू टेल द वुमेन दैट लुक इन टू द मिरर एंड क्या कमी है आप में, क्यों हम लोग एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं. आई थिंक आधे से ज़्यादा बैटल तो वहीं लूज हो जाता है जब आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं. तो आई जस्ट फील यू आर एज एम्पावर्ड एज यू थिंक यू आर. कंगना जी, आप फीमेल सिक्योरिटी. आई जस्ट इनवाइट शंकर एंड Lord, please, who has done the music. Hello. Ashwiny, koi sawal? Ek sawal Ashwiny ko. No, please. There are chairs, yes. अश्विनी जी, रेखा खान आपसे सवाल है. आपकी पिछली, कैसे हो आप? बस मैं अच्छी हूँ. आपकी पिछली दो फिल्में भी बहुत कमाल की रही हैं और उसको मतलब अवार्ड्स वगैरह भी काफ़ी मिले हैं और क्रिटिक अप्रिसिएशन भी बहुत मिला, दर्शकों ने भी बहुत सराहा. ये भी एक स्लाइस ऑफ लाइफ और उसी तरह की लग रही है. तो किस तरह से इस फिल्म को आप कैसे देख रही हैं, दर्शकों के नज़रिए से, पुरस्कार के नज़रिए से, और एज अ क्रिएटिव पर्सन आप कितनी सेटिस्फाइड हैं? दर्शकों के नज़रों से तो मैं पिक्चरें ऐसे बनाना चाहती हूँ जो सिर्फ पिक्चर ही ना रहे, सिर्फ एक फिल्म ना रहे, पर वो आर्काइवल हो जाए. आई ऑलवेज फील दैट व्हाटएवर फिल्म्स आई मेक शुड बी मेड फॉर द आर्काइव्स. कि भले ही
पाँच छः फिल्मों के बाद मैं रिटायर करूँ या मैं 100 साल की हो जाऊँ या मैं जिंदा ऊपर चली जाऊँ, फिर भी लोगों को मेरी पिक्चर याद रहनी चाहिए। अवार्ड्स का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये है कि मेरी अवार्ड सबसे अच्छी होती है जब ऑडियंस को अच्छी लगती है, जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि उनको बहुत छू लिया किसी मेरी स्टोरीज ने। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। कंगना, टुवर्ड्स योर लेफ्ट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम, द ट्रेलर इज रियली गुड एंड इंस्पायरिंग। कंगना, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो है एक कहीं ना कहीं आप एक कबड्डी प्लेयर जो है वो प्ले कर रही हैं और आपके मेरे ख्याल से फर्स्ट स्पोर्ट्स ड्रामा पे फिल्म है जो ये है, तो किस तरीके का फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन किया आपने फॉर योर कैरेक्टर? And then I'll come to the second question. Yeah, I've never been into sports growing up also. So mere liye kafi nayi cheez thi kabaddi. I've been a science student aur main bachpan mein bhi I was lot into poetry. Jab main 10-12 saal ki thi, then that time I used to read Harivansh Rai Bachchan and Munshi Premchandra and all that. So I've never been a sporty kid. But because I've done so many action characters, you know, I've done like I played a superwoman, I played a warrior, so that helped me a lot because essentially it's a very physically draining role. But like any other character, you know, I had to learn kabaddi, and I had to understand a mother's world and you know what her responsibilities are, what her perspective is. Kangana, the second question is, you have always been vocal about whatsoever has been asked. So, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हाल ही में जो Forbes list है, उसको लेकर के भी जो आपकी sister हैं, वो काफी नासाज़ ना खुश लगी मुझे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी about the ranking? I think सबसे पहले तो I think ये जो इस तरह से एक किसी का भी नाम लेके और किसी के भी मतलब पर्सनल, चाहे वो इनकम हो या मेरी पर्सनल लाइफ, उस पर कमेंट करना विदाउट एनी रिलायबल सोर्सेज इज़ नॉट गुड। आई डोंट थिंक इट इज़ गुड। इफ़ दे वांट टू, आई थिंक मेक अ लिस्ट, दे मस्ट मेक अ लिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड हाउ मच टू द सोसाइटी, नॉट हाउ मच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, यू नो, देर शुड नॉट बी अ रट फॉर दैट। सो आई थिंक वी ऑल हैव टू कॉन्शियसली take responsibility. We always keep thinking ke why celebrities are not setting new standards, but even journalism should take responsibility of how we can make this society where people think about contributing to the society and not extracting from it. Kangana ji, aapke right mein. Hi. Kangana ji, you know, aise aur kaun kaun se aapke sapne hain jiske liye aapko aapki society se and aapki Hindi film industry se aur bhi panga lena hai aur apne us sapne ko pura karna hai? वेल आई थिंक जब मैं फिल्मों में आई थी तो मुझे उस टाइम पे जो फिल्म की हीरोइनों की जो कंडीशन थी वो देख के काफ़ी बुरा लगा, बिकॉज आई नेवर वुड वॉन्ट टू फील के समबडी हैज़ टू डिसाइड एंड डिक्लेयर माई डेस्टिनी। हम लोग लड़कियाँ जो हैं लड़कों के ही जितना संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको वही 29-30 साल की उम्र में एक वो सस्पेंडेड लेटर दे दिया जाता है दैट यू नो दिस प्रोफेशन इज़ नॉट वेरी काइंड टू द फाइन लाइन्स इन योर फेस, यू नो इट रिंकल्स आर फ्राउंड अपॉन, ग्रे हेयर इज़ फ्राउंड अपॉन, योर ग्रोथ ऑफ योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और योर पर्सनल ग्रोथ हैज अ वोमन इज़ फ्राउंड अपॉन। तो ये देख के मुझे काफ़ी फ्राइटनिंग लगा कि आई विल ऑल्सो गेट अ सस्पेंशन लेटर एट द एज ऑफ 28-29। सो आई मे बी आई वॉन्ट टू क्विट, बट ऑन माई ओन, आई डू नॉट वॉन्ट एनी बडी टू डिसाइड माई डेस्टिनी। सो आई हैव बीन एक्टिवली मेड अ प्लेस इन फिल्म फॉर मी वेयर माई रिंकल्स विल नॉट बी फ्राउंड अपॉन एंड आई कैन हैव अ डिग्निफाइड करियर इवन वैन आई एम, यू नो, आई कैन वर्क एंड नॉट बाई इंजेक्टिंग माई सेल्फ और पुलिंग माई सेल्फ विथ थ्रेड्स, यू नो, आई कैन सिंपली work the way a man works. At the same time, I also would want to be in a profession which is not so identified with my sex as an individual. Like, you know, I think an actress's job is so identified, but a director's job, a writer's job, a music director's job is not so identified. It's, you know, it could be, you could be a man, woman, young, old, doesn't matter. I like that space. I don't want to be in a place where my sex is a lot more important than my inner world or my intellect or my intelligence.